लोगों के बयानों के आधार पर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके आज जेल में डाला गया है। आज उन सभी लोगों का, किसी का चंदे का रिश्ता भाजपा से बन गया है, किसी का टिकट का रिश्ता भाजपा और एनडीए से बन गया है, कि विपक्ष इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहता है और मैं भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता हूँ। पानी पी करके आप उनको गालियां देते थे, जिनके ऊपर आरोप लगाए थे, जिनके ऊपर FIR करवाए थे, जिनको आपने गिरफ्तार करवाया था, आप सारे भ्रष्टाचारियों को बचाने में तो आप लगे हुए हैं। सारे भ्रष्टाचारियों को एक तरफ आप बचाने में लगे और दूसरी तरफ रैली में जाकर के कहते हैं हम भ्रष्टाचार को हटाने में लगे हुए। इस तानाशाही के खिलाफ और दुनिया में भी जहां जहां भारतीय रहते हैं वहां पर अरविंद केजरीवाल जी की इस गिरफ्तारी के खिलाफ उनको आशीर्वाद देने के लिए सामूहिक उपवास कल सुबह 11 बजे से सभी जगह पे शुरू हो रहा है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद से ही इस पार्टी को खत्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करने के लिए फर्जी शराब घोटाले की भी रचना की और अब दिख रहा है कि किस तरह से जिन लोगों के बयानों के आधार पर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके आज जेल में डाला गया है, आज उन सभी लोगों का, किसी का चंदे का रिश्ता भाजपा से बन गया है, किसी का टिकट का रिश्ता भाजपा और एनडीए से बन गया है। ये खुली किताब आज देश की जनता देख रही है, लेकिन फिर भी सत्ता के अहंकार में चूर मोदी सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई है कि न तो हम जिन लोगों से हमारे खाते में पैसा आया न तो हम उसके ऊपर कुछ बोलेंगे। आज मैं देख रहा था प्रधानमंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रैली में बोल रहे थे कि विपक्ष इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहता है और मैं भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता हूं। मैं सुनते वक्त ये बात सोच रहा था कि आखिर प्रधानमंत्री जी इतने दोहरे व्यक्तित्व के साथ कैसे जी लेते हैं। पूरा देश देख रहा है कि आप अजीत पवार को बचाने में लगे हुए, जिनके ऊपर आपने खुद अपने जुबान से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, पानी पी करके आप उनको गालियां देते थे, सारी उपाधियां देते थे, आप अजीत पवार को बचाने में लगे हुए, अशोक चौहान को बचाने में लगे हुए, छगन भुजबल को बचाने में लगे हुए। देश के अंदर अब तो पूरी फेहरिस्त सामने आ चुकी। 23 से ज्यादा ऐसे मामले जिनके ऊपर आपकी ईडी सीबीआई ने FIR किया, कई लोगों की गिरफ्तारियां की। आप सारे भ्रष्टाचारियों को, जो आप जिनके ऊपर आरोप लगाए थे, जिनके ऊपर FIR करवाए थे, जिनको आपने गिरफ्तार करवाया था, आप सारे भ्रष्टाचारियों को बचाने में तो आप लगे हुए हैं, आप कैसे बोल लेते हैं एक तरफ दिन रात सारे भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करके आप बचाने में लगे। आपने शरद रेड्डी को भी बचा लिया, आपने राघव मुंगटा को भी बचा लिया, आपने उनके पिता को भी बचा लिया। सारे भ्रष्टाचारियों को एक तरफ आप बचाने में लगे और दूसरी तरफ रैली में जाकर के कहते हैं हम भ्रष्टाचार को हटाने में लगे हुए। प्रधानमंत्री जी, आज ये पूरा देश आपके इस दोहरे व्यक्तित्व को देख रहा है और इसलिए जिस तरह से आपने दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाया, दिल्ली के लोगों के दिलों में आक्रोश है, पूरे देश के अंदर लोगों में आक्रोश है, पूरे दुनिया के अंदर जहां भारत के बेटे बेटियां रहते हैं उनके भी दिलों में आक्रोश है।
क्योंकि सभी लोगों ने यह देखा है, अगर आपको काम करने का मौका देश की जनता ने दिया तो प्रचंड बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी काम करने का मौका दिल्ली की जनता ने दिया। अरविंद केजरीवाल अपना काम कर रहे थे 10 साल से, आप भी अपना काम कर रहे थे 10 साल से, अगर आप षड्यंत्र करके अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करते तो आपको पता था कि दिल्ली के लोग किस तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, आपको इस बात का डर लगता है। और इसलिए दिल्ली के अंदर जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है, लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं, पूरा देश रामलीला मैदान में इस गिरफ्तारी के खिलाफ इकट्ठा हुआ, इस तानाशाही के खिलाफ इकट्ठा हुआ, सभी इंडिया गठबंधन के सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स इकट्ठा हुए और अब ये लड़ाई कल से अगले चरण में एक जन आंदोलन बनने जा रही है। कल से पूरे देश के अंदर और दुनिया में भी जहां जहां भारतीय रहते हैं वहां पर अरविंद केजरीवाल जी की इस गिरफ्तारी के खिलाफ उनको आशीर्वाद देने के लिए सामूहिक उपवास कल सुबह 11 बजे से सभी जगह पे शुरू हो रहा है। भारत के अंदर देश में 25 राज्यों में वहां की राजधानियों में उपवास का कार्यक्रम, सामूहिक उपवास का कार्यक्रम कल सुबह 10 बजे शुरू होगा। उसके साथ साथ अलग अलग जिला मुख्यालयों पे, तहसील मुख्यालयों पे लोग अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में और अपने घरों में भी सामूहिक रूप से उपवास का रखेंगे और अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद देंगे। इसमें जो अलग अलग स्टेट में की राजधानियों में जो प्रमुख रूप से जहां पर उपवास का कार्यक्रम रखा गया है उसमें उत्तर प्रदेश में पत्रकारपुरम लखनऊ में उपवास का कार्यक्रम होगा, महाराष्ट्र के अंदर गांधी स्थल नियर सेक्रेटरिएट मुंबई में ये उपवास होगा, राजस्थान में शहीद संपर्क पार्क जयपुर में, बिहार में नियर गांधी मूर्ति गांधी मैदान पटना में, झारखंड में बापू वाटिका ऐतिहासिक मुरादाबादी मैदान रांची में, तेलंगाना में इंदिरा पार्क हैदराबाद में, केरला के अंदर जीपीओ जंक्शन त्रिवेंद्रम में, तमिलनाडु में नियर राजस्थान स्टेडियम राजा रथन स्टेडियम ये चेन्नई में होगा, आंध्र प्रदेश में जो है गांधी स्थल विशाखापट्टनम में, उड़ीसा के अंदर मास्टर कैंटीन स्क्वायर भुवनेश्वर में होगा, हिमाचल प्रदेश में नियर सीटीओ शिमला में, वेस्ट बंगाल में रानी रसमोनी कोलकाता में, एमपी के अंदर रोशनपुरा चौराहा भोपाल में, छत्तीसगढ़ के अंदर नालघर चौक रायपुर में, जम्मू के अंदर हरि सिंह पार्क जम्मू में, कश्मीर के अंदर मूर्ति ड्राइंग इंस्टीट्यूट बासी मंजिल पे होगा, गुजरात के अंदर स्टेट ऑफिस आश्रम रोड अहमदाबाद में, आसाम के अंदर चंचल 6 माइल गुवाहाटी में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर टेनिस कोर्ट इंद्रनगर में, पंजाब के अंदर खटखट कला जो भगत सिंह का गांव है वहां पर ये सामूहिक उपवास होगा जहां पर सभी विधायक मंत्री उपवास करेंगे, हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में होगा सदाचार स्थल पे, कर्नाटका के अंदर फ्रीडम पार्क बेंगलोर में होगा, गोवा के अंदर आजाद मैदान में होगा और उत्तराखंड के अंदर जैन धर्मशाला देहरादून में होगा। ये सभी राज्यों के जो राजधानियों में जहां पर सामूहिक उपवास का कार्यक्रम होगा, जहां पर आप
हर स्टेट की राजधानी में आप शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिला मुख्यालय पर, अपने तहसील मुख्यालय पर, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, और अगर आप अपने परिवार के अंदर भी इस उपवास के कार्यक्रम को करके अरविंद केजरीवाल को आप आशीर्वाद दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। भारत के अंदर जो प्रमुख राजधानियों में, जैसा हमने कहा, देश की राजधानी दिल्ली में कल 11 बजे से जंतर मंतर पे ये सामूहिक उपवास का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, सभी पार्षद शामिल होंगे। उसके साथ साथ तमाम सिविल सोसाइटी के लोग जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, चाहे जुडिशरी में हों, चाहे वो अध्यापन के क्षेत्र में हों, चाहे वो लॉयर्स हों, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग सिविल सोसाइटी के कई प्रमुख लोग कल जंतर मंतर पे सामूहिक उपवास में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। भारत के अलावा विदेशों में जहां पर ये सामूहिक उपवास का कार्यक्रम जो 7 तारीख को कल होने जा रहा है, उसमें न्यूयॉर्क, यूएस में टाइम्स स्क्वायर पर सामूहिक उपवास का कार्यक्रम वहां जो रहने वाले भारतीय हैं वो करेंगे। उसके साथ साथ बोस्टन यूएस में हार्वर्ड स्क्वायर पे, लॉस एंजिल्स यूएस में हॉलीवुड साइन पे, सैन फ्रांसिस्को यूएस में लेक एलिजाबेथ पे, वाशिंगटन डीसी यूएस में इंडियन एम्बेसी पे, ये यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर इन जगहों पे सामूहिक उपवास का होगा। यूएस के अलावा कनाडा में जो है टोरंटो में ये ब्रैम्पटन सिटी हॉल में होगा। उसी तरह से कनाडा में दूसरी तरह वैंकूवर में हॉलैंड पार्क डाउनटाउन में होगा। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में ये फेडरेशन स्क्वायर पे होगा। यूके में, इंग्लैंड के अंदर लंदन में ये पार्लियामेंट स्क्वायर पे सामूहिक उपवास का कार्यक्रम होगा। उसी के साथ साथ यूएस में डालास टेक्सास में ये महात्मा गांधी मेमोरियल प्लाजा जो है इरविन पे ये सामूहिक उपवास का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसके साथ साथ आयरलैंड में डबलिन में ओ कैनल स्ट्रीट अपर पे सामूहिक उपवास का कार्यक्रम होगा। जर्मनी के अंदर बर्लिन में ब्रैंडनबर्ग में गेट पर इसका सामूहिक उपवास का कार्यक्रम होगा। नॉर्वे के अंदर ओस्लो में नॉर्वेजियन पार्लियामेंट पर ये सामूहिक उपवास का कार्यक्रम होगा। तो अरविंद केजरीवाल के साथ धीरे धीरे पूरे देश के अंदर और दुनिया के अलग अलग देशों में जहां पर भारतीय रहते हैं, धीरे धीरे ये अत्याचार और तानाशाही के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आवाज आगे बढ़ रही है, तेज हो रही है। जिस तरह से रामलीला मैदान में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स इसके विरोध में आए थे, उसी तरह से कल जंतर मंतर पे सिविल सोसाइटी के बहुत सारे प्रतिनिधि अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में इस तानाशाही के खिलाफ जो है वो जंतर मंतर पे कल अपना समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। मैं पूरे देश में और पूरे दुनिया के अंदर जहां जहां भी इस सामूहिक उपवास में लोग शामिल होकर के अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद देने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक व्हाट्सएप नंबर आप जरूर नोट कर लें, जिस पर आप जहां भी सामूहिक उपवास में आप बैठ रहे हैं, चाहे घर में, गांव में, मोहल्ले में, तहसील में, जिले पर, स्टेट में, या फिर दुनिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज में, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना फोटो, वहां पर सामूहिक उपवास का, और अपना डिटेल, नाम और जिस जगह पे आप बैठे हैं वो जरूर भेजें, जिससे कि ये हमें पता चल सके, अरविंद जी को पता चल सके कि कहां कहां पर लोग उनके समर्थन में जो है इस सामूहिक उपवास में शामिल हो रहे हैं। वो नंबर है 7290 3770। दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 7290
37700, ये नंबर है। इस नंबर पे आप कहीं भी अपने घर पे उपवास पे बैठे हैं, चाहे अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, तहसील में, जिले पर, प्रदेश की राजधानी में या दुनिया के किसी भी देश में, आप इस पर अपने उपवास, जो जो उपवास पर है उनकी तस्वीर और लोकेशन आप भेज दें। कल मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप भी जंतर मंतर पे 11 बजे पहुंचिए और सामूहिक उपवास के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के अंदर इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए, आत्मशक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जिससे कि इस तानाशाही का खात्मा हो सके और इस देश में लाखों कुर्बानियों के बाद जो लोकतंत्र संविधान हमें मिला है वो सुरक्षित रह सके। इसके लिए आप सब लोग कल 7 अप्रैल को जंतर मंतर जरूर पहुंचें।